तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंशुल गुप्ता जी। आज हमारे फिर से एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे कटहल की पकौड़ी। तो चलो बनाते हैं वीडियो एंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फटाफट दिखाते हैं आपको। तो गाइज, इधर जो हमने कटहल लिया है, इस कटहल को हमने अच्छे से धो के काट लिया है और अब इस कटहल को उबालेंगे। तो चलो उबाल लेते हैं इस कटहल को। तो गाइज, अब जो इधर कुकर लिया है, इस कुकर में हम कटहल उबालेंगे। कटहल को डाल देते हैं कुकर में। अब जो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं कुकर में कटहल के ऊपर। अब जो इसमें 1 छोटा गिलास पानी डाल देते हैं। अब जो लगा देते हैं कुकर का ढक्कन, 1 सीटी का कर लेते हैं वेट। 1 सीटी में हमारा जो कटहल है वो पक के हो जाएगा एकदम रेडी। तो गाइस, आपको जो है इसकी सीटी निकाल के अब कुकर का ढक्कन जो है अभी आपको खोल लेना है। 1 ही सीटी लगानी है, एकदम ढक्कन आपको खोल देना है। तो गाइस, हमारा जो कटहल है वो भाप में अच्छे से पक चुका है, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो गाइस, इधर जो हमने कटहल को एक प्लेट में निकाल लिया ठंडा होने के लिए, और अब जो है हम दाल और चावल को पीस लेते हैं। तो गाइस, इधर जो हमने ये दाल ली है, ये चने की दाल है, ये 200 ग्राम लगभग दाल है, और ये हमने 2 कटोरी लगभग छोटी चावल लिए हैं। इन दोनों को हमने पानी में भिगो दिया था रात भर, और अब इन्हीं दोनों को हम मिक्स करके पीसेंगे। तो चलो इन दोनों को पीस लेते हैं। तो गाइस, इधर जो हम 4 से 5 हरी मिर्च ली है और ये 10-5 लहसुन की कली ली है, इनको हम जार में डालेंगे दाल के साथ। ये दाल हमने जार में डाल दी है, ये अब डाल देते हैं जार में। और ये थोड़े चावल है, ये भी हम इसी में डालेंगे अभी। इधर जो हमने थोड़ी सी अदरक भी काट ली थी घिस के, मतलब छिक्कल साफ करके, और अब इसी ये भी इसी में डालेंगे। तो पहले अब जो है दाल पीसेंगे, फिर उसके बाद इसी में चावल पीसेंगे जार में। तो चलो सबसे पहले पीस लेते हैं दाल। तो गाइस, इधर जो हमने दाल पीस ली है, तो चलो अब चावल को भी इसी तरह पीस लेते हैं। तो गाइस, इधर जो चावल को भी पीस लेते हैं, हम जार में डाल दिए चावल, इसको भी पीस लेते हैं फटाफट। तो गाइस, इधर जो हमारे चावल पीस चुका है, इसको निकाल लेते हैं इसी दाल में। हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छे से पीस चुके हैं। तो गाइस, इधर जो हमने दोनों चीज़ें अच्छे से पीस ली हैं, इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल चावल को। मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें धनिया, मिर्च और नमक मिलाएंगे। इसमें मिला देते हैं नमक। जब जो इसमें नमक मिला रहे हैं 1 टीस्पून, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। जो इसमें मिला देते हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब मिला देते हैं इसमें कटी हुई हरी धनिया, और अब जो कर लेते हैं मिक्स सारी चीज़ों को। तो गाइस, इधर जो हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है, अब इस कटहल को इसमें ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें हो गई अच्छे से मिक्स है, इस कटहल को इसमें डाल देते हैं। एक एक पीस आपको अच्छे से करना है। ये कटहल हमने इधर डाल दिया है। तो गाइस, इधर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसी कटहल में लपेट लेते हैं ये बैटर। और इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसी तरीके से आपको जो है पकौड़ी डालनी है कटहल की, बैटर लपेट के अच्छे से। बस इधर जो हमने सारे जो कटहल है वो डाल दिए हैं कढ़ाई में, और अभी ये आँच फुल आँच पे सिकेंगे, मीडियम आँच पे। धीमे धीमे अच्छे से सिकते रहेंगे ये। तो गाइस, इधर जो हमारी पकौड़ी वो अच्छे से सिक गई हैं, ये देखिए। तो चलो निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में। ये पकौड़ी को जो निकाले हैं प्लेट में, और अब आपको लगा के दिखाएंगे प्लेट में। तो गाइस, हमारी जो कटहल की पकौड़ी है बनके हो गए बिल्कुल रेडी। ये देखो, हमने आपको वीडियो रेसिपी दोनों दिखा दी। तो इसके लिए लाइक का बटन तो करना बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और चाय की पकौड़ी और कटहल की पकौड़ी और चाय बहुत ही बढ़िया लगती है, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जैसा कि आपने देखा, कटहल की पकौड़ी बन के हो गए बिल्कुल रेडी। हमने आपको वीडियो रेसिपी दोनों दिखा दी। तो इसके लिए लाइक का बटन तो करना बनता है। लाइक का बटन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और फूडी वीडियो के लिए। और
लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी करो। बाय।